अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यासर टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो 11 में ये नेट स्पीड जो मॉनिटर है ये आप किस तरह अनेबल कर सकते हैं। विंडो 10 जो ये लोग यूज़ करते हैं वो तो इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो उनके टास्क बार में इजीली ये फिट हो जाता है, मगर विंडो 11 जो है इसमें आप ये चीज़ अनेबल नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत से लोग इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके ये नेट स्पीड मीटर जो है ये डाउनलोड करते हैं, तो ये टास्क बार में अपनी जगह पे फिट नहीं होता और ये ओवरले पे आता है, यानी कि उसके ऊपर नहीं ये फिट होता, उसके आगे आ जाता है। तो ये कैसे डाउनलोड करना है इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये बिल्कुल जो विंडो 10 में जो यूज़ होता है बिल्कुल ये वैसा ही है। तो आपने ये वेबसाइट है मोजो ग्रीक की, तो ये मैं इसका आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आपने आके यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है। अब इसको आप ये डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपने इसको ये पहले मैं इसको यहाँ पे आपको ये एग्जिट करके दिखाता हूँ ताकि दोबारा से आपको पता चल जाए। जब आपका ये डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने इसको जो है एग्जैक्ट कर लेना है। विनार से भी कर सकते हैं और बिल्ट इन भी ये यूज़ होता है। जब ये मैं इसको ये एग्जैक्ट कर लिया तो फिर अब मैंने इसको एप्लीकेशन में रन करना है। अब देखें जैसे ही ये रन हुआ है तो ये यहाँ पे ये शो होना शुरू हो गया ये मेन विंडो पे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसको हम कर लेंगे शो टास्क बार विंडो। अब देखें यहाँ पे ये टास्क बार में आ गया और इसको हम इसका टिक हटा देंगे शो मेन विंडो से। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं मगर इसको आप हटा देंगे, तो ये देखें आप टास्क बार में ये सेट हो गया। उसके बाद अब ये अगर आप इसको स्पीड टेस्ट करके देखते हैं, यानी कि कुछ भी अगर आप यूज़ करें तो अभी देखें इसकी जो स्पीड आ रही है ये केबीज में आ रही है। तो अगर हमें इसको एमबीज में करना है तो इसके ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके हमने इसको बिट कर लेना है और इसका जो ऑटो है इसको फिक्स करके एमबीज में कर लेना है। तो अभी देखें यहाँ पे ये एमबीबीएस में ये जो है एमबीएस में ये शो होना शुरू हो गया। अभी देखें जो भी इसकी स्पीड शो हो रही है वो ये एमबीज में शो हो रही है। तो इस तरह आप ये इजीली इसको अनेबल कर सकते हैं और आप यानी कि विंडो 11 की तरह इसमें कोई भी जो स्पीड मीटर है ये आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और ये जो टिप एंड ट्रिक है ये अपने फ्रेंड्स के साथ या किसको भी जरूरत हो उसके साथ शेयर करना भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।